कभी भी मार्केट में बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने इस तरीके से, उसके बाद देखो क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। एक हैमर बनता है, हैमर के साथ साथ देखो बड़ा वॉल्यूम भी है पहला चीज, हैमर के साथ कंफर्मेशन भी आया है, नेक्स्ट कैंडल देखो ग्रीन बना है, ठीक है, बट हम एंट्री यहां पर नहीं लेंगे। अगर हम एंट्री इस जगह पे लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, ठीक है। हम वेट करेंगे, प्राइस जब नीचे आती है यहां से करेक्ट करती है, और देखो बड़े बड़े रेड कैंडल्स के बाद छोटा रेड कैंडल बनता है, फिर यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल्स आने चालू होता है, और यहाँ से और हैमर का लो देखो छोटा हो गया स्टॉप लॉस भी हमारा। इस जगह पे हम एंट्री लेंगे और एक टारगेट यहाँ तक बुक करेंगे, बट इस सेटअप का पावर इतना है, अगर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके दिखाऊं तो देखो कितना लंबा टारगेट था हमारा, देखो कितना मार्केट ऊपर गया है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 12 तारीख का, अक्टूबर का, आप जाके खुद देख लेना।